हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है लच्छा नान बनाना। तो आइए बनाते हैं लच्छा नान। आज हम तंदूरी लच्छा नान बनाएंगे। तो ये मैंने सिंपल आटा लिया है, जिस प्रकार से हम सिंपल आटा गूंद कर तैयार करते हैं वो आटा हमने गूंद कर तैयार कर लिया है। ये हमने सूखा आटा लिया है और ये हमने ऑयल लिया है। मैंने कुकर को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे आटा लूंगी और एक पेड़ा बना लूंगी। ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी रोटी बेल कर तैयार करूंगी। इसकी एक बड़ी सारी चपाती बनाऊंगी मैं। आटा हमें उसी प्रकार का गूंदना है जिस प्रकार से हम रोटी के लिए आटा गूंद कर तैयार करते हैं। हमारी रोटी बेल चुकी है, अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी। मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ, आप चाहे ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। और अब मैं इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी। और इसको मैं कट कर लूंगी इस प्रकार से। हमारी सारी रोटी पे कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको इस प्रकार से फोल्ड करूंगी। इकट्ठे करते जाएंगे हम। ये हमारा अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। अब मैं इसको रोल करूंगी। जिस प्रकार से हम पेड़ा बनाते हैं इस प्रकार से हम घुमा के इसको पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं अपनी दूसरी रोटी बेल कर तैयार करूंगी। ये मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है और इस पे भी ऑयल लगा लिया है। इस पे भी सूखा आटा डाल लूंगी और इसकी भी मैं कटिंग कर लूंगी। और इसको मैं फिर से इसी प्रकार से इकट्ठा करूंगी। बिल्कुल आसानी तरीके से इकट्ठा हो जाता है, ये देखो। अब मैं इसे फिर से ऐसे घुमाकर फोल्ड कर लूंगी और जो ये ऊपर वाला सिरा है इसके अंदर डाल दूंगी इस प्रकार से। अब मैं इसे बेलूंगी। अब मैं इसको रोटी को बेल लूंगी। जो लच्छे निकल जाते हैं उसको ऊपर करके नहीं फिर बेल सकते हैं। आप चाहे ज्यादा बड़ी भी बेल सकते हैं, मैं ज्यादा बड़ा साइज नहीं करूंगी, मैं इस प्रकार से साइज ही रखूंगी। इस प्रकार से मैं ये दूसरी रोटी भी बेल लूंगी। अब मैं इसमें से एक रोटी को उठाऊंगी और एक हाथ पे मैं ये मैंने पानी लिया है एक कटोरी में और पानी को एक साइड में इस प्रकार से लगा लूंगी। हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस को मैं स्लो कर देती हूँ और जिस साइड से मैंने पानी लगाया है उस साइड से मैं इसमें चिपका दूंगी। ये देखो कितने आसानी से चिपक गया है, आप जरा ध्यान से ही चिपकाना। अब मैं इसी प्रकार से दूसरा नान भी चिपका लूंगी। मैंने रोटी उठाई है और इसकी एक साइड में पानी लगाऊंगी। जिस साइड मैंने पानी लगाया है उस साइड से मैं इसके अंदर चिपका दूंगी। बिल्कुल आसानी से चिपक कर तैयार हो जाती हैं और गैस को मैं हाई कर देती हूँ। अब मैं कुकर को उल्टा कर दूंगी इस प्रकार से। तो आइए रोटी चेक करते हैं हम। ये देखो हमारी रोटी कितने अच्छे से सिक रही है। ये देखो रोटी कितने अच्छे से सीख कर तैयार हुई है। अब मैं इस साइड से भी रोटी को सेक लूंगी। इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और इसी प्रकार से मैं दूसरी रोटी को भी सेक लूंगी। अब मैं इस पे घी लगा लूंगी। घी मैं अच्छे से लगा लूंगी इसमें और अब मैं इसको हाथ से इस प्रकार से कर दूंगी। ये हमारा लच्छा नान बनकर तैयार हो चुका है। कितना क्रिस्पी बना है। और इसे मैंने मटर और मेथी मलाई की सब्जी के साथ सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।